नाम का नहीं है, वो किसी के काम का नहीं। जो राम के नाम का नहीं है, वो किसी के काम का नहीं। जो हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। हिंदू हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो अयोध्या का सम्मान करेगा, वही देश पे राज करेगा। जो अयोध्या का सम्मान करेगा, वही देश पे राज करेगा। साधु संतों का सम्मान करेगा, वही देश पे आ चुके हैं और अपने समर्थकों का अभिनंदन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं यहां पर। अयोध्या की जनता को यहां पर कुछ ही देर में फिर संबोधित भी करेंगे और देखिए उनके भव्य स्वागत में किस तरह से लोग लगे हुए हैं। उनके बगल में यहाँ के MLA जो यहाँ के विधायक हैं वेद गुप्ता जी, वो भी उनके बगल में दिखाई दे रहे होंगे। रैली यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने की है, रोड शो चल रहा है और उसके बाद शायद घाट पर जाके आदित्यनाथ अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। इन पे विश्वास मत करना और मैं अयोध्या के संतों को व्यापारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम समस्या का समाधान करते हैं, समस्या पैदा नहीं करते। उनकी भावना केंद्रों पे अयोध्या बनेगी, अयोध्या में जो लोग चलेंगे वही होगा। और मैं तो हमेशा, मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो 5 वर्ष में 50 बार अयोध्या आ चुका है। आप जानते हैं पहले के मुख्यमंत्री को अयोध्या आने में भी घबराते थे, अयोध्या आने में घबराते थे। अयोध्या आने का मतलब उनको लगता था कि उनके वोट बैंक में कहीं सेंध ना लग जाए। लेकिन मैं जब भी अवसर मिला दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से लेकर के राम मंदिर निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार यह अभियान चल रहा है। और भाइयों बहनों, मैं दूसरा यहाँ के संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत विद्यालयों के आचार्य और छात्रों को आश्वस्त करता हूँ, हर एक विद्यालय में संस्कृत के योग्यतम शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी और हर छात्र के लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था होगी। हमने पहले व्यवस्था की है, जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण के लिए भी सरकार खर्च देगी। और जो आश्रम संस्कृत के विद्यालय और महाविद्यालय चलाना चाहेंगे उसके लिए अनुदान भी सरकार देगी। और यही नहीं, बुजुर्ग अपने संतों के लिए, पुरोहितों के लिए, पुजारियों के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया है। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन वर्तमान में सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, इस राशि को बढ़ा करके 18,000 करने का हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है। यही नहीं भाइयों बहनों, हम लोगों ने अभी तय किया है, अभी तो कोविड में फ्री में वैक्सीन मिला है ना, अभी तो फ्री वैक्सीन के साथ साथ फ्री राशन हर गरीब को दिया जा रहा है, राम राज्य को साकार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। गरीब को मकान मिल रहे हैं, गरीब को शौचालय मिल गए हैं, हर गरीब के घर तक बिजली आ रही है। पहले अयोध्या में बिजली आती थी 17 के पहले, आज तो आ रही है ना, लपकते हुए जोते हुए तार गायब हो गए हैं ना। और भाइयों बहनों, अभी तो 10 मार्च के बाद आने दीजिए, भाइयों बहनों 10 मार्च के बाद
आपको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध होगा। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के आगे की पढ़ाई के लिए 15,000 रुपए हम दे रहे हैं, आने वाले समय में इसको 25,000 बेटियों के लिए करेंगे। और भाइयों बहनों, गरीब कन्याओं की शादी के लिए अनुदान की राशि अब 51,000 से बढ़ाकर के 1,00,000 करने का प्रस्ताव भी है।